இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான 4வது 20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டியில் முதலில் ஆடி வரும் இந்திய அணி சற்று முன் வரை 5 ஓவரில் 1 விக்கெட் இழப்பிற்கு 34 ரன் எடுத்துள்ளது. அகமதாபாத்தில் நடைபெற்று வரும் இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இங்கிலாந்து அணி முதலில் பந்து வீச தீர்மானித்தது. 5 போட்டிகளை கொண்ட 20 ஓவர் கிரிக்கெட் தொடரில் இங்கிலாந்து அணி 2-1 என்ற கணக்கில் முன்னிலையில் உள்ளது. आए गेंदबाजी करने के लिए इस पूरी श्रृंखला में जो सबसे खास बात रही है इंग्लैंड के गेंदबाजों की कंडीशंस भले ही उनके अनुकूल नहीं है लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी की पूरे दम के साथ गेंदबाजी की है और एवरेज स्पीड निकाले तो 140 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल वही यही बात बार बार हम लोग कह रहे हैं कि वो स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही है भारत की स्पीड के मामले में विशेषकर अगर इस T20 स्क्वाड की बात अगर करते हैं वो स्पीड भारतीय गेंदबाजों के पास नहीं है जो इंग्लैंड के गेंदबाजों के पास है लेकिन भारत की जो टीम कॉम्बिनेशन जो विशेषकर आज के मैच के लिए बनी है तो तारीफ करनी होगी कप्तान विराट कोहली और टीम मैनेजमेंट की कि बहुत ही अच्छा टीम कॉम्बिनेशन बनाया है और ऐसी परिस्थिति में जबकि इतने ज़्यादा विकल्प भारत के पास मौजूद हैं टीम मैनेजमेंट यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया के अंतिम मैच से लेकर के अगर आज के मैच से पहले तक देखें तो बेशक उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा लेकिन इसका मतलब नहीं कि इतने बड़े खिलाड़ी को आप सिर्फ इस आधार पर ड्रॉप कर दें ये एक अच्छा फैसला है अब इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है निश्चित रूप से काफ़ी बढ़ेगा பொதிகை செய்திகளை யூடியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம். மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் @gmail.com என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம்.